नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, नवंबर के 7 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सरकार ज़्यादातर कामयाब हुए है कुछ क्षेत्र पर। जो काम सरकार सबसे पहले रखे थे, प्रायोरिटी थे, इसमें कामयाब हुए है। इसमें से एक है कोविड 19 कंट्रोल में है। और ये मतलब ये है फैलने से ज़्यादातर लोग बचा पाए हैं कि ये और ज़्यादा नहीं फैले है, यह रोका गया है। फिनांशियल त्रयक जो है, सूरीनाम देश का जो फिनांशियल सिचुएशन जो है, इसमें भी कुछ हल आए हैं क्राइसिस को सामना करने के लिए। और ये भी सरकार बताई है कि ये क्राइसिस के सामना करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लोगों से बातचीत हुआ है और लोग हल ढूंढ रहे हैं। आगे में ये भी कहा गया है कि सोशल फंगनेट पर लोग काम करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, ये आर्मुद फ्रास्टिक जो है, लोग जिनको काफ़ी मुश्किल है, ये मुश्किल घड़ी है, क्राइसिस में है देश, तो अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए इन लोगों के लिए एक फंगनेट के बारे में लोग इस वक्त कुछ तैयारियां कर रहे हैं। और वैसे इन लोगों को पकेतन दिया गया है। ये तमाम बातें प्रेसिडेंट संतो की जो है पिछले हफ्ता दिए हैं, जब एक रखेरिंग फरखादरिंग था। 3 महीने ये इफालिवाद से हुआ है रखेरिंग संतो की ब्रंसवेग का। बहुत से काम अभी करना है और प्रेसिडेंट बातें कहे हैं या बातें किए हैं एक खास टेलीविजन आउटसेंडिंग में जो मुंगो टापू से पेश हुआ है। सितंबर महीना के लिए प्रेसिडेंट संतोखी यह भी बताई है कि पहले मतवा ऐसा हुआ है, पैसा लोग कर्जा नहीं लिए है तनख्वाह भरने को आमदनारन का, और भी सलारसन के अलावा पेंशनन और आओफी के वास्ते पैसा कर्जा नहीं लिया गया है। कुछ कर्जा भी चुकाया गया है और इस वक्त बातचीत भी हो रहा है। यह है अक्फिस ब्यूरो लाजार्ट के साथ, कैसे बाकी के जो कर्जा है इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए लोगों से बातचीत करने को। वैसे ओब्लिखात सी हौदर जो है ओपनहाइमर लेनिंग का, इनसे भी लोग बातचीत कर रहे हैं एक हेयर स्केकिंग के वास्ते। ये लेनिंग का IMF से भी बातचीत हो रहा है, इंटरनेशनल मोनिटरी फंड से बातचीत हो रहा है, और हो सकता है या उम्मीद है कि आने वाले जनवरी महीना के अंत या फरवरी के शुरुआत में यह बातचीत हो जाएगा। और तब सरकार फिर जनता के सामने रखेगा कैसे आगे काम होगा। होफ्ट इंस्पेक्टर फन पुलिसी हम्फ्री नार्डन जो है, जो बागडोर संभाल रहा था KPS के पब्लिक रिलेशंस अफदेलिंग पर, ये अब बागडोर जो है इस अफदेलिंग का इंस्पेक्टर रशल डेकमान के हवाले किए हैं। नार्डन जो है ये वर्नी मंथोव बनेगा स्टाफ डिंस्टन का, ये जानकारी कॉर्प शेफ रोबर्टो प्राद हमें दिए है। ये नया फंक्सी जो है, नया पदवी इन्हें मिला है ये, और तरक्की किए हैं और ऊंचा गए हैं। और देखमान जो है ये भी अनेक फंक्सीज अनेक जगह पर काम किए हैं कॉर्प्स के अंदर। इनको एक जर्नलिस्टी का अख्तर खौम थे। और देखमान जो नार्दन के काम अब संभालेंगे, ये भी बताया गया इसके बारे में कि ये वर्थ फूर्दर होगा पुलिसी कॉर्प्स का, लेकिन इसके अलावा ये और जगह पर काम कर चुके हैं। और जैसे हम आपको बताई, एक जर्नलिस्ट का अख्तर खौंद इनको भी है। नार्दन जो है ये अनेक पदवी पर भी काम किए हैं कॉर्प्स के अंदर, और 2 बार ये इनके हाथ में बागडोर था अफदेलिंग पब्लिक रिलेशंस का। पुलिसी के तरफ से यानी सिपाही पुलिस के तरफ से कुछ जानकारी मिला है एक हादसा के बारे में जो हुआ है एतवार के रात में मखेंता वेख में। इस हादसे में कालावती रेवात बुद्धू, एक 33 साल का द्रियन दर्तख यार का, इस स्त्री के देहांत हो गई है। इसके अलावा रागनी पे 28 यार और देविका पे 34 यार, ये दोनों बुरी तरह से घायल हुए हैं और दोनों को हॉस्पिटल में इलाज के वास्ते दाखिल किया गया है। अब तक के खोजबीन से पता चला है कि ये 3 लोग जो है, एक जिनके देहांत हो गई है और 2 लोग जो घायल हुए हैं, 3 स्त्रियां थी। ये सब मावा काबो वेख मखेंता वेख के आसपास में थे, जहां पर एक एड स्टैंड थे, वहां खाना लोग बेच रहे हैं, वहां पर लोग मौजूद थे। और ये 34 साल का ऑटो बस ड्राइवर अनूप एस, ये काफ़ी तेजी से गाड़ी हाँक कर यहाँ पर आए हैं, मखेंता वेख से गुजरे हैं और क्रॉसिंग पर मावा काबो
कोवैक पर ये क्रॉसिंग पार किए हैं और जाकर ये 8th सेंस से टकराई है जहाँ पर ये तीन औरतें बैठे थे। इन लोगों से टकराने के बाद हम आपको बताइए एक के देहांत हो गए, दो घायल हुए हैं। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचे है तो पता चला है कि इनके पास रेब वेस इनके पास नहीं था और ये नशे के हालात में था, शराब पी हुई थी और इनका रेब वेस जो है ये फरफाला रहते। और जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था ये नशे के हालात में था, ये हम आपको बताई है, रेब वेस फरफाला था और गाड़ी जो है ये पूरी तरह से टूट गया है। गाड़ी जो है हेयर क्योरिंग के वास्ते पुलिस कब्जे में ले लिए है और इनको हिरासत में रखा गया है। अनूप एस जो है ये हिरासत पुलिस के कैद में है। COVID-19 से जुड़े हम आपसे बता दें कि COVID-19 के वजह से एक और शख्स का देहांत सूरीनाम देश में हुआ है। अकादेमिसिकन हाउस पारामारिबो में एक शख्स के देहांत हुआ है COVID-19 से और इसके साथ कोविड टेलर जो है इस वक्त होंदतुआलव पर है। 112 लोगों का देहांत COVID-19 से हो गया है सूरीनाम देश में। इस वीकेंड प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी फिर एक स्टेटमेंट देने वाले है और स्टेटमेंट के बाद पता चलेगा कि मात्र एकलन रहेगा या निकाला जाएगा या और ज्यादा मात्र एकलन आएगा। राजेंद्र खारगी इसका नाम लिया गया है, काफ़ी चर्चा इसके बारे में पिछले दिनों में हुआ है मीडिया में। ये नया अम्बासडोर बनेगा सूरीनाम देश का हॉलैंड में। कई दिनों से इनका नाम लिया जाता है फेहापेतोप में और अब फेहापेतोप जो है इसके लिए रजामंदी दिए है इनके बनुमिंग के वास्ते कि ये अम्बासडोर बने सूरीनाम देश का हॉलैंड में। वैसे बताने की बात यह है कि खारगी वैसे नीदरलैंडर था तो एक फर्शनल प्रोसीड्यूर से इनको सूरीनाम मिला है, यह सूरीनाम देश का नागरिक बन गया है। खारगी जो है फेहापे का फोर्सिटर चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वक्त प्रेसिडेंट सूरीनाम देश का हमेशा इनका साथ दिए है और ये भी बताया गया है कि इनका जो संतोखी का स्पीच थे प्रेसिडेंट इस वक्त है प्रेसिडेंट संतोखी के स्पीच जो थे ये आदमी तैयार कर रहा था। ये अदफिसोर भी है मिनिस्ट्री फॉर बाउतलांस साकन का, बाउतलांस साकन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल सामन वर्किंग, इस मिनिस्ट्री पर ये यहाँ का अदफिसोर है। और खारगी के बारे में हम आपको बता दें कि इनको एक जर्नलिस्टिक करियर है और ये फर्शला खेफर था, रेडियो मार्कर था नॉस के पास और भी दूसरे हॉलैंड के ओमरूपन के पास। 1177 और 1180 में ये एंड रिडक्टर था रेडियो प्रोग्राम सोरखन होप का। ये एक्टिव है, ये प्रोफेशनल कोच है और कम्युनिकेशन एडवाइजर है लेकिन डिप्लोमेटिक डिंस में कभी काम नहीं किए है। राजेंद्र खारगी ये नया अम्बेसडर बनेगा सूरीनाम देश का हॉलैंड में। एक्स फोर्सेटर फीसर फोर्सेटर उपसभापति पंच घर का बेप के फोर्सेटर भी पुराना फोर्सेटर कप्रिनो अलेंदी का देहांत 68 साल की आयु में कल शुक्र के रात को हो गया है। ये कुछ दिनों से बीमार थी और इनका देहांत हो गया है। कप्रिनो अलेंदी न सिर्फ पॉलिटिक के क्षेत्र में काम किए हैं लेकिन ये सालों से अंडरवेस में काम किए हैं और आखिरी बार जब ये अंडरवेस में काम किए हैं तो ये मिलोस होल का डायरेक्टर था। कप्रिनो अलेंदी जो है बेप का एक्स फोर्सेटर और एक्स वीस फोर्सेटर डीएनआ का 68 साल के हुए हैं। रेसिडेंसी के मौके पर आने वाले नवंबर के 25 तारीख आज़ादी के दिन है, स्वतंत्रता दिवस सूरीनाम देश 45 साल आज़ाद जो हुए है मनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में सरकार 250,000 SRD का बंदोबस्त किए है खर्चा उठाने के वास्ते, मतलब 250,000 SRD खर्चा होगा रेसिडेंसी फीरिंग के वास्ते। कोविड के वजह से धूमधाम से लोग जश्न नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता है लेकिन सूरीनाम देश 45 साल आजाद होंगे तो जरूर यूं ही लोग ये दिन जाने नहीं देना चाहते हैं। मिनिस्टर बाउतलांस सागन के निर्देशन में एक प्रोग्राम होगा और कहा गया है मिनिस्टर रामदीन के जरिए कि एक साकलक प्रोग्राम रहेगा। बाउतलांस के रखेरिंग्स प्रतिहन बोर्डर्स के साथ बात होगा और मुमकिन भी कुछ ओवरीन कॉम्सन इन लोगों के साथ दस्तखत होगा।
मिनिस्टर रामदीन बताई है कि प्रेसिडेंट इरफान अली खुयाना का सूरीनाम देश में तशरीफ लाने वाले हैं और मिनिस्टर प्रेसिडेंट शैन रघुनाथ कुरासाओ का ये सूरीनाम देश आएंगे। ये दो रखेरिंग्स ये दो प्रेसिडेंट हैं जो हिस्सा लेंगे रेसिडेंसी फीरिंग में। ब्राज़ीलिया का प्रेसिडेंट जाइर बोल्सोनारो भी आने वाले थे लेकिन कोविड के वजह से उन्होंने अपने तमाम जो ट्रिप्स प्लान किए थे इस साल के वास्ते ये कैंसिल कर दिए हैं, तो बोल्सोनारो नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि इनके जगह पर इनका मिनिस्टर बाउतलान से साकन का ब्राज़ीलिया का मिनिस्टर बाउतलान से साकन का यहाँ पर सूरीनाम देश आएगा रेसिडेंसी फीरिंग के मौके पर। फ्रैंक रेक से एक स्पेशल दिलखाती भी आएगा। हॉलैंड से रामदीन का कोलेगा स्टेफ ब्लॉक भी सूरीनाम देश में आएगा, ये भी जो गेस्ट आने वाले हैं इसका हिस्सा है। और अम्बासाडर्स जो आने वाले हैं सूरीनाम देश, गाना का शीना, इंडिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और ब्राज़ीलिया का, ये सब सूरीनाम देश तशरीफ लाने वाले हैं रेसिडेंसी के मौके पर। प्रेसिडेंट संतोखी बातचीत करेगा प्रेसिडेंट इरफान अली से। खुयाना का प्रेसिडेंट इरफान अली से बातचीत करेगा नया पुल के सिलसिले में जो लोग बनाना चाहते हैं, ब्रिज ओवर द क्वारंटाइन रिफीर, फॉलक्स कोसोंटेट और लंगबाओ के क्षेत्र पर भी बातचीत होगा। और उम्मीद भी है कि ब्राज़ीलिया और फ्रांकरेक के साथ कुछ ओवर इन कॉम्सन दस्तखत किया जाएगा एक साथ मिलकर काम करने को और जो संबंध है देशों का ये और मजबूत बनाने के वास्ते, कुछ जानकारी जो मिनिस्टर रामदीन बाउतलान ससाकन का हमें दिए हैं। एक 24 साल का आदमी जोनाथन पुरसौत का देहांत हुआ है और पुलिस अब तक के खोजबीन से यह बताई है कि मुमकिन इनका कत्ल हुआ है। इनका लाश जो है ये पूरी तरह से ख़राब हो गए थे, पारा रिफीर में से निकाला गया है सोमवार को। परसों जो है सनीचर अक्टूबर के 17 तारीख कुछ दोस्तों के साथ ये घर से निकले हैं एक रिक्रियात सी और इलाका पारा में जाने के वास्ते, लेकिन तब से वापस घर नहीं लौटे हैं। इनका परिवार उसके बाद जब ये घर नहीं लौटे हैं तो इनका गुम होने का रिपोर्ट लिखवाए थे और लाश से यह पता चला है कि ये डूब जाने से, पानी में डूब जाने से इनका देहांत नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है इनका कत्ल हुआ है। पुलिस इस मामले में और खोजबीन कर रहा है और लोगों को तलाश कर रही है जो इस बारे में और कुछ बता सकते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है इस मामले में। एक और मोटरगाड़ी हादसा हुआ है अफोबा का वेख पर जहाँ पर दो लोगों का देहांत हुआ है। ग्वेंस फ्लोतांती द्रियन त्विंतखियार और रोनाल्ड बुद दर्तखियार बुद को अफोबा का वेख पर मस्त नंबर 106 के आसपास में यह हादसा हुआ है। एक ऑटो बस्तूदर रोबार्टो का द्रियन दर्तखियार का जो था जो इस गाड़ी में भी मौजूद था और गाड़ी हाँक रहा था ये भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस के ये पुलिस इनको हॉस्पिटल में ले गई है और इस पर निगरानी है। इनका रेवेज जो है ये यानिवारी 2019 से फरफल या पुलिस ले लिए है, इनफॉर्दर हुआ है और खोजबीन से पता चला है कि यह आदमी काफ़ी तेज़ी से गाड़ी हाँक रहा था। ये जाकर अफोबा का वक्त में जब ये गाड़ी हाँकते समय मुमकिन ये सो गया था और ये गाड़ी जो है ये जाकर पहाड़ियों से टकराया है, कुछ बार उलट गया है और वहाँ पर जाकर कहीं पर ये गाड़ी उलट गया है तो इसमें लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और दो लोगों का देहांत हो गया है, गाड़ी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये बहुत अफसोस के बात है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचे तो ये आदमी जो गाड़ी हाँक रहा था इनको लोग एरखेदी के पोली क्लिनिक क्लास करीब पर ले गए थे और वहाँ से एम्बुलेंस से इनको स्पूत एसन दोहलप अकादेमी सिकन हाउस लाया गया है और ये पुलिस के हिरासत में इस वक्त है। इनको कुछ चोट लगा था लेकिन ये पुलिस के हिरासत में हॉस्पिटल में है या पुलिस इस पर नज़र डाल रही है हॉस्पिटल में। मिनिस्टर अरमान दचाइबर सिंह फिनंसिंग एंड प्लानिंग का मिनिस्टर जो है ये बताई है कि सरकार कुछ पैसा का बंदोबस्त किए हैं अमतनारन के वास्ते और भी पर्टिकुलर सेक्टर के मजदूर के वास्ते।
जो आमदनारन है और मजदूर बाकी मजदूर जो है इन लोगों को नवंबर के 25 तारीख जो आज़ादी का दिन है सुरीनाम देश 45 साल आज़ाद होंगे तो सिर्फ इदेंसी के मौके पर एक बोनस मिलेगा 25 नवंबर के सिलसिले में और ये नवंबर के अंत में होगा और दिसंबर में मुमकिन एक कैश बोनस भी आमदनारन को दिया जाएगा। मिनिस्टर अरमांता छाइवर सिंह ये कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है जैसे सीएलओ कहते हैं या और लोग कहते हैं ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है ताकि सीएलओ ये लोन्स फॉर हाउसिंग का मांग नहीं करे लेकिन ऐसा बात नहीं है। मिनिस्टर छाइवर सिंह कहते हैं कि अभी तक सीएलओ से बातचीत चालू है लोन्स फरोखिंग के वास्ते जो लोन रोंद का मांग लोग किए हैं ये बातचीत अभी तक चालू है। वैसे मिनिस्टर छाइवर सिंह ये बताए कि जनवरी 2021 में एक लोन रोंद आएगा आमदनारन के वास्ते। ये वो समझते हैं कि जो जनता है सुरीनाम देश का ख़ासतौर पर गरीब जनता जो है ये सब मुश्किल में है तो इन लोगों के मदद के वास्ते ये पैसा जो है ये बोनस जो है नवंबर और दिसंबर महीना में लोगों को भरा जाएगा। सरकार ऐसे जनता का मदद करना चाहते हैं। ये बोनस एक मालक है एक ही मतवा दिया जाएगा नवंबर और दिसंबर महीना में और ये भी कहा गया है कि सभी आमदनारन को नहीं मिलेगा। सही सभी आमदनारन को नहीं मिलेगा इस बारे में और खबर लोग देंगे और कितना बड़ा ये रकम रहेगा बोनस का ये भी अभी तक नहीं पता है ये भी तय नहीं हुआ है। पर्टिकुलर सेक्टर के वास्ते मिनिस्टर छाइवर सिंह बताई है कि ब्लास्टिंग स्फीयर में एक तखमूद कोमिंग आएगा हो सकता है लोग और कम ब्लास्टिंग भरेंगे तो ऐसे इन लोगों को भी एक बोनस मिलेगा। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया नमस्कार और खुदा हाफिज़।